देख रहे हैं TV24 समाचार। 2002 में बनी सड़क, 2013 में हुआ मरम्मत कार्य, बिना बनाए सड़क पर लगा दी शिलान्यास पट्टिका। जब बवाल बड़ा, सरकार की खिरखिरी होना शुरू हुआ तो रातों रात शिला पट्टिका हुई गायब। मामला फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद नगर का है। कलीवाल इंटर कॉलेज से शंभू नगर जाने वाली सड़क, जिसका निर्माण 2002 में हुआ, जिसकी मरम्मत नगर पालिका ने 2013 में, लेकिन सड़क में गड्ढे बने हुए हैं। सड़क बुरी हालत में है, लेकिन कल 24 फरवरी 2020 की शाम को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद एसपी सिंह बघेल के क्षेत्रीय विधायक मुकेश वर्मा के नाम की पट्टिका लगा दी। जब क्षेत्रीय लोगों को मालूम पड़ा तो इस कार्य की कड़ी न होने लगी और घोटाले का आरोप लगने लगा। मौके पर पहुंचे सिरसागंज सपा विधायक हरिओम यादव ने पूरी सरकार को ही घेरते हुए कहा, दूसरे के कार्य को अपना कार्य बता रही है, दूसरे के काम को अपना काम बता रही सरकार, कभी दूसरे के बाप को भी अपना बाप न बना ले। हरिओम यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाई गई शिलान्यास पट्टिका रातों रात गायब हो गई है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। TV24 समाचार के लिए आगरा मंडल ब्यूरो कश्मीर सिंह की रिपोर्ट। घटना जो हुआ ये क्या है? ये तो बिल्कुल भाजपा के लोग मंत्री जैसे हंसी के पास कर, हमको बहुत हंसी आ रही है। सड़क हमने सन 2002 में बनवाई थी और सबको मामला हम सब लोग देख रहे हैं। सन 2002 में बनवाई थी और जो हमारे भाई चेयरमैन हुए सन 2012 में, तब उन्होंने 13 में इसकी मरम्मत कराई थी और उसके बाद इसको मरम्मत भी नहीं हुई, एक पला कहीं सीमेंट भी नहीं लगा और आज उद्घाटन हो रहा है इसका। तो इससे ज़्यादा और क्या मजा के सरकार की हो सकती है? लोग हंस रहे हैं, ये सड़क पर लोग जा रहे हैं, सब हंसते हुए देखते हुए जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल दूसरे के काम को अपना काम बता रहे हैं। अभी ये लग रही है कि ये दूसरे के बाप को अपना बाप भी बता रहे हैं।